अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को महान बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वेस्ट इंडीज के खिलाफ करो या मरो मुकाबले में भारतीय टीम ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत। जी हां दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाज कुलदीप यादव और बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने अपने खतरनाक प्रदर्शन के दम पर वेस्ट इंडीज की टीम को इस कदर परेशान किया, जिसके सामने वेस्ट इंडीज की टीम चारों खाने चित हो गई। तो आखिरकार कैसे कुलदीप यादव और सूर्य कुमार यादव के सामने वेस्ट इंडीज की टीम ने घुटने टेके और भारतीय टीम को तीसरे मुकाबले में जीत मिली, ये तो आपको बताएंगे। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में से कौन है खतरनाक खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसके पहले दोनों मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अब तीसरे मुकाबले में सीरीज में हार से बचने के लिए भारतीय टीम करो या मरो की स्थिति में चलते इस मुकाबले को खेलने मैदान पर उतरी, जहां यह मुकाबला प्रोविडेंस क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस दौरान वेस्ट इंडीज की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी के लिए भारतीय टीम को आमंत्रित किया। इस दौरान भारतीय टीम के सामने वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 159 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिए, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, तो वहीं अक्षर पटेल और मुकेश कुमार को 1-1 विकेट मिला। इस दौरान वेस्ट इंडीज की टीम की तरफ से कायल मेयर ने 25 और ब्रैंडन किंग ने 42 रन की पारी खेली, तो वहीं जॉनसन चार्ल्स ने 12 और हिटमायर ने 9 रन की पारी खेली, तो वहीं पूरन 20 रन बनाकर आउट हुए। इसके अलावा कप्तान पवेल ने नाबाद 40 रन की पारी खेली। हालांकि 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे भारतीय टीम मैदान पर आई, तो यशस्वी जायसवाल पहले ही ओवर में 1 रन बनाकर पवेलियन मकॉय की गेंद पर लौट गए और अपने पहले मुकाबले में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, जिसके बाद शुभमन गिल भी जोसेफ की गेंद पर 11 गेंद पर 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद बल्लेबाजी करने तिलक वर्मा मैदान पर आए, जिन्होंने सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर टीम को संभाला और पावर प्ले की समाप्ति तक 60 रन बटोरे। इस दौरान सूर्य कुमार यादव ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया और भारत को इस मुकाबले में जीत दिलाई, जिसके चलते तीसरे मुकाबले में भारत जीत गया और 2-1 से सीरीज में अभी भी भारत पीछे चल रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मुकाबले में भारतीय टीम की जीत के हीरो कौन रहे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।